नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं इंजीनियर नरेश यादव, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। ठीक है, अपना जो यूनिट नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें अपन आप देखेंगे चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव के बारे में। ठीक है, दो वीडियो जो दो यानी दो जो पहले के दो लेसन थे वो आपको मैं जानता हूँ कि शायद वीडियो आपको पहुँच गई होंगी। तीसरे लेसन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको। तीसरे लेसन से मैं स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक बताऊंगा, फिर उसका यूज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में उसका यूज होने के बाद हम उसको आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, समझे, पहला वर्ड आएगा इसमें, एक तो किससे रिलेटेड है, ये विद्युत क्षेत्र से। विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जैसा बताया गया होगा पिछले चैप्टरों में कि मान लीजिए कोई भी आवेश है, मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों तरफ, ठीक है, इसके चारों तरफ का वह आवरण जिस क्षेत्र तक वो या तो किसकी प्रकृति रखे, किस कौन सा गुण रखे, या तो आकर्षण का गुण रखे या किसका रखे, प्रतिकर्षण का, या तो आकर्षण का रखे या प्रतिकर्षण का रखे, जो ये बाउंडेशन एरिया है, ठीक है, ये एरिया, ये क्षेत्र क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए इसका जो एरिया है ये r दूरी तक सीमित है, क्या है, r दूरी तक सीमित है, तो ये इसका एक तरह से r त्रिज्या में ये बाउंडेशन क्षेत्र हो गया, तो ये क्या है आपका, विद्युत क्षेत्र। अब इस सीमा तक मान लीजिए इसके पास अपन दूसरा कोई प्लस क्यों लाएंगे तो रिपल्सन होगा यानी प्रतिकर्षण होगा, ऐसे तो है नहीं यहां रिपल्सन करने लग जाएगा, इस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा तभी ये रिपेल करेगा। जैसे माइनस क्यू लाए तो ये क्या होगा, आकर्षण की प्रकृति होगी, ये आप जानते हैं। इसके बाद दूसरी बात ये भी जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है, ये भी जानते हो आप, क्लियर है। अब इसमें जो अपन विद्युत विभव फड़ेंगे, विद्युत विभव ध्यान रखना, आगे मैं बताऊंगा, वैसे ये बात भी बता देता हूं, ये एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, ये अदिश राशि है। सदिश और अदिश आप जानते हो, दिशा होगी तो सदिश, दिशा नहीं होगी तो अदिश, ठीक है। अब इसमें ये हुआ आपका विद्युत क्षेत्र, जिसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन ई से दर्शाते, ये हुआ एक तो बेसिक, ठीक है। और जो बल लगता है वो एफ बराबर कितना लगता है, क्यों ई लगता है, ठीक है, प्लस क्यों के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में, किस दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में। और जो माइनस क्यू के कारण जो बल लगता है, माइनस क्यू के कारण बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ठीक है। प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू के कारण बल एफ बराबर क्या होता है, प्लस क्यू ई होता है, और इसके कारण माइनस क्यू ई होता है, ये जानते हैं आप, ये बेसिक ध्यान रखें, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि जो धनावेश का, देखो नोट में बेसिक ही बता रहा हूँ, फिर अपन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे। नोट में क्या ध्यान रखें कि जो धनावेश का प्रभाव होता है, या क्या होता है कि धनावेश का प्रभाव और ऋणावेश का प्रभाव, कि धनावेश का जो प्रवाह होता है, धनावेश का प्रवाह यानी जो चार्ज ऑफ फ्लो होता है, ठीक है, चार्ज फ्लो कौन सा, पॉजिटिव चार्ज का प्रवाह, धनावेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, ठीक है। एक बात तो आप ये ध्यान रखें कि धनावेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। दूसरी बात क्या ध्यान रखें आप, ऋणावेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, ठीक है। धनावेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और ऋणावेश का प्रवाह निम्न विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की। देखिए, जैसे मान लीजिए अपन को ये कोई बैटरी है, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या है आपका, नेगेटिव टर्मिनल।
पॉजिटिव टर्मिनल को अपन क्या कहते हैं कि ये उच्च विभव पर है। कौन से विभव पर है कि उच्च विभव, ये पॉजिटिव जो यानी आपका धनाग्र होता है ये उच्च विभव पर होता है, और जो नेगेटिव होता है ये क्या होता है आपका निम्न विभव पर होता है। किस पर होता है? निम्न विभव पर। तो अपन जान लीजिए, मान लीजिए कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किसकी ओर आएगा आपका? देखिए हमेशा देखिए धनावेश का प्रवाह तो उच्च से निम्न की ओर होगा, ठीक है। तो यानी जैसे मान लीजिए विद्युत धारा है, तो धनावेश का प्रवाह माने, या दूसरा आप वर्ड लिख सकते हो यहाँ विद्युत धारा, विद्युत धारा का प्रवाह भी हमेशा उच्च विभव से कहाँ होता है? निम्न विभव की। तो विद्युत धारा तो प्रवाहित होगी इस प्रकार, उच्च से कहाँ जाएगी? निम्न में जाएगी। तो यानी ये विद्युत धारा आई हो गई। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणावेश है। क्या है? ऋणावेश। तो निम्न से आएगा किसकी तरफ? उच्च की तरफ। तो ये पॉजिटिव क्या है? उच्च विभव पर है। तो ये कहाँ से आएगा? उच्च विभव की। एक बात आप ये ध्यान रखें, ठीक है। आ गया इतना समझ में, ठीक है। तो ये बेसिक क्या बताया कि विद्युत क्षेत्र के बारे में जानकारी रखनी है, विद्युत क्षेत्र के देवता अदिश सदिश ये इनके बारे में ध्यान रखना है, बल कैसे लगता है, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में एफ बराबर प्लस की हुई, और इसके बारे में माइनस क्यू के कारण जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, वो क्या लगता है? एफ बराबर माइनस क्यू ई, ठीक है। ये नोट में क्या ध्यान रखें कि विद्युत धारा या धनावेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ऋणावेश का प्रवाह हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, ठीक है। ये एग्जाम्पल के द्वारा, बैटरी के द्वारा मैंने समझा दिया आपको। अब नेक्स्ट देखिए, अपन देखते हैं कि यहाँ से देखिए, अगर डायग्राम के द्वारा उच्च और निम्न के बारे में, अगर डायग्राम के बारे में समझें, मान लीजिए ये दो आपके कंडक्टर हैं, ये है आपका उच्च विभव पर है और ये किस पर है? आपका निम्न विभव पर है। इसको किसी चालक तार के द्वारा जोड़ दिया जाए तो ये धनावेश का प्रवाह हमेशा उच्च से कहाँ होता है? निम्न की ओर होता है। किसकी ओर होता है? उच्च से निम्न की ओर। अब पढ़ेंगे अपन विद्युत विभव के बारे में। किसके बारे में? विद्युत विभव। तो देखिए समझे, विद्युत विभव क्या होता है? बिल्कुल सिंपल आपका चैप्टर है, कोई हार्ड चैप्टर नहीं है आपका। तो देखिए समझे, देखिए अपन पढ़ेंगे आप विद्युत विभव। विद्युत विभव देखिए समझे, कोई भी आपका आवेश है, मान लीजिए प्लस क्यों आवेश है। क्या है ये? प्लस क्यों आवेश है। तो इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होगा, ये अपन जानते हैं, ठीक है। ये इसका क्या हो गया? एक तरह से बाउंडेशन इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये, ठीक है। ये बाउंडेशन इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए अपन, मैंने बताया यहाँ से, मैं बता दूँ आपको कि अगर मान लीजिए कोई भी आवेश है, मान लीजिए वो क्या ले लिया अपन ने? क्यू नॉट। क्या ले लिया? क्यू नॉट। अब क्यू नॉट ही क्यों लेते हैं? पिछले चैप्टर में बताया गया होगा, मैं और बता रहा हूँ यहाँ आपको कि क्यू नॉट एक परीक्षण धनावेश होता है, जिसका परीक्षण क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। कौन सा आवेश बोलते हैं इसे? परीक्षण आवेश बोलते हैं। ये पॉजिटिव यूनिट चार्ज लेते हैं, क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है ये? धनात्मक होता है। दूसरा देखिए, क्यू नॉट परीक्षण आवेश, ये क्या होता है आपका? धनात्मक चार्ज होता है। धनात्मक क्या होता है? आवेश। और ये भी ध्यान रखना, ये एक सबसे छोटा आवेश होता है। सबसे छोटा क्या होता है? आवेश होता है, जिसका मान एक तरह से कहें तो इसको पूरा मिला के कहते हैं अपन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी एकांक धनात्मक आवेश। एकांक धनात्मक आवेश, एकांक धनात्मक आवेश, ठीक है। सबसे छोटा आवेश होगा है जिस पर मान प्लस 1.6 इन 10 पर माइनस 19 कूलम। भाई ये सबसे छोटा मान ही है आपका, क्लियर है? यहां से समझे, ये आपका विद्युत क्षेत्र है। क्या है? विद्युत क्षेत्र। अब इसको मान लीजिए इसके पास लाएंगे, ये भी पॉजिटिव चार्ज है आपका, ठीक है, और ये भी आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। जब इसको पास लाएंगे तो बताओ ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, यानी इनके मध्य क्या होगा आपका? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो बताइए प्रतिकर्षण जब अपन ला रहे हैं, जब इसके विद्युत क्षेत्र में लाएंगे, मान लीजिए बाउंडेशन एरिया यहां तक मान लीजिए अपन, जब इसको लाएंगे तो बताओ प्रतिकर्षण के विरुद्ध
प्रतिकर्षण के विरुद्ध लाने में भाई अपन को जोर पड़ेगा, लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य ही क्या कहलाएगा आपका, विद्युत विभव कहलाएगा, क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज बाउंडेशन एरिया यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया, जब अपन इंफिनिटी मान ली, इंफिनिटी से लाएंगे और किसी बिंदु मान ली, यहां पर कोई बिंदु क्या मान लिया अपन ने, पी मान लिया, क्या मान लिया, पी बिंदु मान लिया, यहां से ये आर दूरी तक है पी बिंदु इसके अंतर्गत, तो इस पी बिंदु तक लाएंगे तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य ही क्या कहलाएगा आपका, विद्युत विभव कहलाएगा, क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। तो देखिए परिभाषा क्या बनेगी, यहां से लिख रहा हूं मैं कि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में, देखना यहां से लिख लिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, तो यहां से क्या लिख दें, अनंत से एकांक धनावेश को या एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य किया जाता है, उसे विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से दर्शाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से देखो, इसको कहाँ से ला रहे हैं अपन, अनंत से ला रहे हैं। लाएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, यानी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य ही क्या कहलाएगा आपका, विद्युत विभव कहलाएगा, क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। आया समझ में, देखिए ये कोई भी यानी विद्युत क्षेत्र है, तो जहां तक इसका एरिया होगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, वो प्रतिकर्षण के विरुद्ध जो कार्य है वो क्या कहलाएगा आपका, विद्युत विभव कहलाएगा। इसको किससे दर्शाते हैं अपन, V से दर्शाएंगे। नेक्स्ट देखिए, यहां से परिभाषा क्या बनी आपकी, कि विद्युत विभव बराबर ठीक है, क्या हो जाएगा, कार्य बटे कौन सा आवेश बोलते हैं उसकी नॉट को, परीक्षण आवेश। ठीक है, विद्युत विभव को किससे दर्शाते हैं, V बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन Q नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ, यानी विद्युत विभव V से दर्शाते हैं, कार्य को W से, परीक्षण आवेश को Q नॉट से। देखिए यहां से इसको क्या है, ये एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वो कार्य ही क्या कहलाता है आपका, विद्युत विभव कहलाता है। बन गए यहां से भी डेफिनेशन। इसके बाद अगर इसके मात्रक की बात की जाए, किसके बात की जाए, मात्रक की, तो एक बात ये ध्यान रखें आप, विभव में हमेशा किससे लाया जाएगा, अनंत से लाया जाएगा किसी बिंदु तक, विभव में, विद्युत विभव में। मात्रक की बात करें तो कार्य का मात्रक होता है जूल, क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो इसका मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम। विमा की बात करें, किसकी बात करें, विमा, तो विमा क्या हो जाएगी बताइए, कार्य की विमा क्या होती है, बल गुणा विस्थापन, यानी ML2T-2। कार्य की विमा हो गई, कूलाम क्या होता है, AT। तो देखिए आज क्या हो गया, ML2T-3,
ठीक है यहां से, और ये क्या हो जाएगा a माइनस वन, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, यहां से ये क्या हो गई इसकी विमा। अगर नेक्स्ट डेफिनेशन अपन देखेंगे तो नेक्स्ट क्या होगी, देखिए यहां से क्या ले सकते हैं अपन, v बराबर क्या हो जाएगा w अपॉन q नॉट, अपन जानते हैं। यहां से w क्या ले सकते हैं, u ले सकते हैं, u बराबर क्या हो जाएगा q नॉट, u बराबर क्या हो जाएगा q नॉट। तो देखिए इसको जैसे ही अपन एकांक मानेंगे, क्या मानेंगे एकांक, ये तो है भी एकांक, एकांक धनावेश की जो u को देखो कार्य लिखें या ऊर्जा लिखें, कार्य लिखें या ऊर्जा लिखें, तो ये क्या है आपकी स्थितिज ऊर्जा, क्या है स्थितिज ऊर्जा। तो एकांक धनावेश की जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसको ही क्या कहते हैं अपन, विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए यहां से विद्युत विभव की दूसरी डेफिनेशन क्या बनी, यहां से एकांक धनावेश की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, एकांक धनावेश की स्थिति ऊर्जा उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो देखिए एकांक धनावेश की, एकांक धनावेश की स्थितिज ऊर्जा को ही, स्थितिज ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। यानी V बराबर W अपॉन क्यू नॉट, यू अपॉन क्यू नॉट, ये हो गया, ठीक है। ये तो हुआ आपका विद्युत विभव, क्या हुआ विद्युत विभव कि देखिए विद्युत विभव क्या है आपका कि अनंत से किसी कोई एकांक आवेश है उसको विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य ही क्या कहलाता है आपका, विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से दर्शाते हैं, यह एक अदिश राशि है, ठीक है। क्या है ये अदिश राशि, विद्युत विभव बराबर कार्य बटे परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश के बारे में मैंने बता दिया आपको कि ये सबसे छोटा चार्ज होता है, सबसे छोटा और यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। V बराबर W अपॉन Q नॉट, मात्रक क्या हो जाएगा जूल प्रति कूलम, विमा क्या हो जाएगी, कार्य की विमा क्या होती है एम एल टू टी माइनस टू और अपॉन ए टी, ये यहाँ से विमा आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर दूसरी डेफिनेशन अपन हम जानते हैं, वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, इसको क्या मान लिया एकांक, ये क्या हो जाएगी यू स्थिति ऊर्जा। तो एकांक धनावेश की स्थिति ऊर्जा को ही विद्युत विभव कहते हैं, ये डेफिनेशन लिखती है, एकांक धनावेश की स्थिति ऊर्जा को ही विद्युत विभव कहते हैं, यानी वी बराबर यू अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। तो इस वीडियो में अपना विद्युत विभव के बारे में हुआ, क्या हुआ विद्युत विभव के बारे में हुआ। नेक्स्ट वीडियो कोई बात नहीं, इसमें एक छोटा टॉपिक हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में अपन दो टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें अपना विद्युत विभव के बारे में अपन कर लिया, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विद्युत विभवांतर, ठीक है। तो यानी विभव का अंतर, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिक बताया और विद्युत विभव के बारे में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही सफिशियंट है, धन्यवाद।